ये तो आप भी जानते ही होंगे कि दुनिया में एक ही बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ है, और वो हुआ है जापान के ऊपर। जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, तब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। क्या आपने ये कभी सोचा है कि जापान पर ही न्यूक्लियर बम क्यों गिराया गया, जर्मनी या और किसी देश पर क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त चिराग यादव आपका स्वागत करता हूँ थिंक बियॉन्ड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से जापान एशिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ, और कैसे जापान जैसे छोटे देश ने मंचूरिया और कोरिया को जीता, चाइना और रशिया जैसे देशों को हरा दिया, और यहां तक कि यूएस जैसे देश की नाक में दम करके रख दिया। आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो, इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1868, जापान में नए राजा ने गद्दी संभाली, जिनका नाम था एम्परर मीजी। ये अलग विचारधारा के व्यक्ति थे। इनके पहले सभी राजाओं ने जापान को आइसोलेट यानी दुनिया से अलग रखने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन मीजी वेस्टर्न ताकतों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने वेस्टर्न देशों से अच्छे संबंध बनाए और जापान को एक मॉडर्न स्टेट बनाने का सपना देखने लगे थे। उस समय एशियन रीजन या तो बहुत ज़्यादा गरीब था या तो किसी यूरोपीय देश की कॉलोनी। ऐसे में जापान एशिया की पहली उभरती हुई ताकत थी। आते ही मीजी ने वेस्टर्न तरीके अपनाने शुरू कर दिए। स्टेट की गवर्नमेंट अब नए ढांचे पर काम कर रही थी जो कि ज़्यादा यूरोपीय था। यूरोपीय से एक और चीज़ जापान ने सीखी, और वो थी कॉलोनियलिज्म। जी, आप भी ये जानते हैं कि इंडिया को भी यूरोप ने कॉलोनी बनाया था, और ये बात जापान भी समझ गया कि कॉलोनी बनाने से पैसा और ताकत दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो 1869 में सियानक्रोन हुआ। सियानक्रोन एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है कोरिया को जीतने का प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के आते ही मीजी के कोर्ट में दो धड़ बट गए, एक तो वो जो तुरंत लड़ाई कर कोरिया जीतना चाहते थे, और एक वो जो इंतज़ार करके पहले अपनी मिलिट्री को मजबूत और फिर कोरिया जीतना चाहते थे। जी, आप सही सोच रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो कोरिया को स्वतंत्र देश मानता हो, और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। मीजी जिस मॉडर्न जापान का सपना देख रहे थे, उसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा जो कि आम लोगों के टैक्स बढ़ने से आ रहा था। आम आदमी भी यही चाहता था कि टैक्सेस को ना बढ़ाकर जापान किसी ओवरसीज कॉलोनी से पैसा निकाले। अच्छा, यह सब तो ठीक है, लेकिन चाइना और कोरिया जीतने का कोई तर्क भी देता होगा जापान? जी, दुनिया को जापान यह तर्क देता था जो बाकी यूरोपीय देश देते थे कॉलोनी बनाने से पहले, कि भाई ये देश तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा गरीब है, हम यहाँ पे इसे कॉलोनी बनाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा सुधारेंगे, तो इसलिए जापान को पूरा अधिकार है कोरिया पर हमला करके उसे कॉलोनी बनाने का, ताकि जापान उसे सुधार सके। उस समय जापान के विदेश मंत्री ने यह कहा था, What we must do is to transform our empire and our people. Make the empire like the countries of Europe and our people like the people of Europe. धीरे धीरे जापान की फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव होती जा रही थी और उसके ग्लोबल पावर बनने की शुरुआत भी हो चुकी थी। मीजी के काल में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव किए गए। तब जापान में केवल बच्चों को सैनिक शिक्षा ही दी जाने लगी, और इन सब चीज़ों से आम लोगों में जंग की प्यास और ज़्यादा बढ़ने लगी। कच्ची उम्र में बच्चे गन चलाना और बहुत सारे मिलिट्री कामों को सीखते। बातचीत अब उन्हें कमज़ोरी समझ आती, और अब वह केवल जंग की भाषा समझते, और वह जापान की सरकार में एक टफ फॉरेन पॉलिसी चाहते थे। इन सब कारणों की वजह से जापान में एक फ्रीडम मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेस्टर्नर्स से जापानीज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए आम लोगों के बीच पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों के लिए मांग उठने लगी। और इस ग्रुप के जो लीडर्स थे वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी की विचारधारा वाले थे, यानी वह यह चाहते थे कि जितना जल्द हो सके वह कोरिया पर हमला करके उसे जीत सके। अब वहाँ आम जनता में एक ही बात होती, जो ज़्यादा ताकतवर है केवल वो राज करेगा। हालांकि मीजी ने डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को तो नहीं आने दिया। 1869 में बाद में जा करके
मीजी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया, लेकिन वो नाम मात्र का था। लेकिन इस मूवमेंट के दबाव में उन्होंने अल्ट्रा नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी की मांग को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश के जापानोलॉजिस्ट रिचर्ड स्टोरी कहते हैं, वेस्ट को हमेशा ये लगता था आम जापानी आदमी को लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, पर सत्य तो यह था कि 1894 से लेकर के 1941 की सभी लड़ाइयां जापान ने लड़ी तो, लेकिन इसकी आवाज़ आम जनता की थी और इन लड़ाइयों का दबाव भी आम जनता से ही था। आम लोग वहां एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहते थे और जापान को वेस्टर्न पावर के बराबर लाना चाहते थे। और फिर अगले दो दशक जापान ने अपनी नेवी और मिलिट्री को बहुत मजबूत बनाया, बहुत काम किया उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर। और साल आया 1884 में जापान ने कोरिया में तख्ता पलट करवा दिया और वहां की सरकार को मार भगाया और अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा दी। और जब वहां की मेन सत्ता वाली सरकार वहां से हटी तो वह तुरंत चाइना के पास भाग करके गई मदद मांगने के लिए। उस समय चाइना में किंग डायनेस्टी का शासन चल रहा था और किंग डायनेस्टी भी कोरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी, तो किंग डायनेस्टी ने तुरंत अपने सैनिक कोरिया के लिए रवाना कर दिए। कोरिया जाते ही जापानी सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया और ये स्टैंड ऑफ कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन जापान ने बहुत सोचा, क्या हमें चाइना से युद्ध करना चाहिए, और बहुत सोच विचार करके जापान इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अभी वह चाइना जैसे देश से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने एक समझौता कन्वेंशन ऑफ तियानसेन करके अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया। इस समझौते में हालांकि जापान कोरिया से अलग तो रहेगा, लेकिन वह किसी भी वक्त कोरिया के किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकेगा, इसका उसे पूरे अधिकार मिलेगा। और अगली किसी खतरे को देखते हुए चाइना ने भी अपने जनरल युआन शिकाई को वहां पर रेजिडेंसी दे दी और कोरिया में ही रवाना कर दिया। 1885 से लेकर के 1890 तक जापान ने कोई एग्रेशन नहीं किया, जिस पर जापानी लोग बहुत नाराज हुए और सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन जब जापान की सरकार ये समझ रही थी कि यह वक्त अभी हमला करने के लिए सही नहीं है, और चाइना भी जापान के एम्बिशंस को नहीं समझ रहा था और वह जापान को कमज़ोर समझ रहे थे, और फिर जो हुआ उसने चाइना को भौचक्का करके रख दिया। 1894 में कोरिया के अंदर एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तोंगहाक रिलीजियस मूवमेंट, जो उन लोग वो लोग करवा रहे थे जिनका ये मानना था कि हमारे देश में वेस्टर्न टीचिंग्स, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिज्म ये सब नहीं बढ़ना चाहिए, और वह अपने ही देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे। इसलिए 50,000 से लेकर के 5,00,000 लोगों ने कोरिया में ही मेन सरकार के विरोध में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और बहुत बड़ा मूवमेंट निकाला। इससे बचने के लिए वहाँ उस समय के कोरिया के राजा किंग गोजोंग ने किंग डायनेस्टी भेजे मदद लेने के लिए। लेकिन चाइना की मदद से पहले ही जापान के सैनिक वहां पहुंच गए और उस मूवमेंट को कुचल डाला। किंग डायनेस्टी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उसने सोचा कि जापान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि समझौता होने के बाद भी वो यहां पर घुस सके। और चाइना ने तुरंत अपनी मिलिट्री को जापान के ऊपर अटैक करने के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जापान इस बार पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, वह पहले ही युद्ध करने के तैयारी में थे, और 1894 में शुरू हो गया पहला साइनो जैपनीज वॉर, और ये आगे जा करके बहुत विकराल रूप लेने वाला था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन इसके बाद होनी थी और इसके बाद जापान ने रशिया जैसे देश पर भी अटैक किया 1904 में। और इन सब के बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब जहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट जैनो जैपनीज वॉर की, और रशिया जब जापान से युद्ध करने आया तो रशिया भी हार गया, और बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे किस्से, अनसुने किस्सों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पर रहें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।